हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में इंग्लिश के सेक्शन में हम सिनोनिम्स सीखेंगे। सिनोनिम्स को ट्रिक से याद करेंगे, तो देखिए ऐसी ट्रिक्स मैंने यूज की हैं जिससे आपको हमेशा के लिए ये वर्ड्स, ये वोकैबुलरीज याद हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्सटॉल। अब एक्सटॉल वर्ड के लिए सिनोनिम्स हैं अप्लॉड, प्रेज, एक्लेम, एडमायर या कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? हमेशा कोशिश करेंगे कि किसी भी वर्ड की अगर हमें ट्रिक बनानी है, उसे याद रखना है, तो हम हमेशा उसे प्रोनंस करेंगे और प्रोनंस करने से जो भी हमारे माइंड में वर्ड आएगा उससे हम उसकी ट्रिक बनाएंगे। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, यानी कि ताली बजा रहे हैं। अक्सर हम अगर किसी के लिए क्लैप करते हैं तो तब करते हैं जब हम उसे क्या कर रहे होंगे, प्रेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से हम अपनी ट्रिक बनाना स्टार्ट करते हैं। वर्ड लिखा था एक्सटॉल, अब एक्सटॉल को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टॉल। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने वर्ड लिखा एक्सटॉल, तो एक्सटॉल को हमने प्रोनाउंस किया, अपनी ट्रिक बनाई एक्स्ट्रा टॉल। अब यहां पे वर्ड लिखा है अपलॉड, अपलॉड को आप बोलिए आप लोग। ठीक है, अपलॉड को आप क्या बोलेंगे, आप लोग। तो जब भी एक्स्ट्रा टॉल इंसान को आप लोग देखते हैं तो अक्सर प्रेज करते हैं। ठीक है, कि अरे वाह क्या हाइट है। दूसरा क्लेम करते हैं, एडमायर करते हैं, क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, क्लेम से याद हो जाएगा एक्लेम। ठीक है, एडमायर करते हैं और उसे कोई ना कोई कमेंट जरूर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं, तो कमेंट और कॉम्प्लीमेंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार देखते हैं कि हमने देखा इमेज में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अब हमने इसके लिए ट्रिक क्या निकाली कि एक्सटॉल वर्ड था हमारे पास, तो हमने कहा एक्स्ट्रा टॉल इंसान को जब भी आप लोग देखते हैं तो अपलॉड देखते हैं तो क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, क्लेम करेंगे, एडमायर करेंगे और कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा, सारे सिनोनिम्स एक्सटॉल के याद हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड इज कैनोरस। ठीक है, नाउ कैनोरस इज द वर्ड और इसके सिनोनिम्स हैं मेलीफ्लुअस, मेलोडियस, हार्मोनिक या रिडुलेंट। ठीक है, अब कैसे हम ये याद करेंगे एक बार देखते हैं। पहले ध्यान से इमेज देखिए, इमेज में आपको एक गर्ल दिखाई देगी जो कि हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुन रही है। ठीक है, अब हम वर्ड कैसे याद करेंगे, वर्ड है कैनोरस तो हम इसे कहेंगे कानों में रस। ठीक है, तो कानों में रस घोलती है कैसी आवाज, ऑब्वियसली मीठी आवाज। अगर किसी की आवाज अच्छी होगी तो सुनने का मन करेगा, आवाज अच्छी नहीं होगी तो सुनने का मन नहीं करेगा। तो हमने कहा कि कानों में रस घोलती है, तो वर्ड याद हो गया कैनोरस। ठीक है, तो कानों में रस घोलती कैसी आवाज, मेलोडियस। ठीक है, मेलोडियस आवाज। और इसके अलावा हमने एक और कहा मेलीफ्लुअस। ठीक है, दूसरी चीज हारमोनियम बजाते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हारमोनियम। ठीक है, तो हारमोनियम से हमें याद हो जाएगा हारमोनिक। ठीक है, इसके अलावा गाने सुनने के लिए रेडियो का भी तो यूज करते हैं, तो वर्ड यहां से याद करेंगे रेडियो से रेडोलेंट। ठीक है, तो इजीली हमने कौन कौन से वर्ड याद करे, कैनोरस के लिए सिनोनिम्स होंगे मेलीफ्लुअस, दूसरा मैंने कहा मेलोडियस, तीसरा हार्मोनिक या रेडुलेंट। ठीक है, तीसरी चीज कानों में रस घोलती है मेलोडियस आवाज, रेडियो की आवाज या हारमोनियम की आवाज। तो हारमोनियम से हार्मोनिक, रेडियो से रेडुलेंट और मैंने कहा मेलोडियस, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैम्पर। ठीक है, अब हैम्पर वर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम हो सकता है हर्डल, हिंडर, प्रिवेंट, इंटरप्ट या इम्पीड। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे, इमेज देखिए, यहाँ पे दो लोग सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमेशा आप भी मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके लिए ट्रिक क्या बना रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं लेकिन बीच में जो रेड कलर का ब्रिज है, ये भी एक ब्रिज है, ये भी एक ब्रिज है, तो ये क्या कर रहा है, कोई ना कोई बाधा डाल रहा है। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, वर्ड है हैम्पर और हम इसे ट्रिक बनाएंगे हम्पर। क्या बनाएंगे,
हम पर। जब भी हम कोई काम करने निकले, जब भी हम मेहनत करने निकले, सक्सेस की तरफ जाने के लिए निकले, तो हम पर हमेशा बाधा आई। क्या आई हम पर? बाधा आई। दूसरी चीज, बाधा के लिए आप वर्ड यूज करते हैं हर्डल, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा जब भी हम कोई काम करने निकले तो हम पर हमेशा हर्डल आए, ठीक है। आप याद कर सकते हैं हमें हमेशा किसी ने रोका यानी कि प्रिवेंट किया, ठीक है, हिंडर किया या फिर इंटरप्ट किया। इंटरप्ट करना भी क्या होता है? बाधा डालना, रोकना होता है, या फिर इम्पीड, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है, चल रहा है, और रास्ते में रोड पर क्या हुआ, जैसे दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं, तो पेड़ क्या हुआ, टूट गया। तो पेड़ टूट गया, तो पेड़ से हम याद करेंगे पेड़, तो पेड़ के टूटने से क्या हुआ, हम पर हर्डल आ गया, बाधा आ गई, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी इजीली। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टायरेड, ठीक है। नाउ टायरेड वर्ड के लिए हमारे पास सिनोनिम्स हैं क्रिटिसाइज, डिक्राई, स्लैंडर या फिर इनकल्पेट, ठीक है। नाउ दिस इज स्लैंडर, दिस इज नॉट सिलेंडर, बट सिलेंडर मैंने इमेज यूज की है, देखिए कैसे हम इसे याद करेंगे। वर्ड है हमारे पास टायरेड, ठीक है। अब टायरेड को आप प्रोनाउंस करेंगे टायरेड, तो टाय वर्ड आएगा माइंड में, ठीक है। तो कैसी टाय? रेड कलर की टाय, ठीक है। तो कैसी टाय? रेड कलर की टाय। ये हमारे पास ट्रिक हो गई, कैसी टाय? रेड कलर की टाय। अभी कोई इंसान है, उसको कोई मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको ऑफिस जाना है और उसको मीटिंग में जाना है, वो अपनी टाई ढूंढ रहा है रेड कलर की और उसको टाई नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वो रो रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है। तो वर्ड हमने कहा डिक्राई, तो टाई रेड कलर की टाई गुम हो गई, तो वो क्या कर रहा है? रो रहा है, तो डिक्राई। दूसरी चीज देखिए, यहाँ स्लैंडर वर्ड के लिए मैंने इसकी प्रोनंसिएशन से मिलती हुई इमेज यूज की है, दैट इज स्लैंडर, ठीक है। नाउ दिस इज सिलेंडर। अब सिलेंडर पे मिलती है सब्सिडी, ठीक है, और सब्सिडी नहीं मिली तो अक्सर लोग क्या करते हैं? आलोचना करने लगते हैं सरकार की या जिसकी भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाई कि ये है एक ओल्ड लेडी जिसके लिए हमने नाम यूज कर लिया टाई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्ड है टाई। तो टाई को सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिली तो वो क्राई करने लगी, आलोचना करने लगी, क्रिटिसाइज करने लगी। क्या ट्रिक है दोबारा से सुनिए, टायरेड, तो टाई को, ठीक है, सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं मिली तो वो क्या करने लगी? क्राई करने लगी, क्रिटिसाइज करने लगी। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। इनकल्पेट भी आप इसके साथ याद कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रिक से हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी बहुत आप बार बार पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेस्टिट्यूड। आप एक बार प्रोनाउंस कीजिए रेस्टिट्यूड। नाउ रेस्टिट्यूड क्या है? रेस्टिट्यूट की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स फाइन, कंपनसेट करना, रिस्टोर करना या रिम्बर्स करना। आप कहीं भी कोई पैसा कभी लगाते हैं तो आप कई बार जैसे कहीं कोई पॉलिसी होती है तो उसे रिम्बर्स करा लेते हैं, यानी कि वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रेस्टिट्यूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फाइन, यानी कि जो फाइन लग जाता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे जरा एक बार देखिए। वर्ड है रेस्टिट्यूड और हमने इसको प्रोनाउंस किया तो हमारे माइंड में एक वर्ड आया, रस्सी टूट गई। रेस्टिट्यूड, रस्सी टूट गई। अब आप आए, आपने देखा रस्सी टूट गई, किसी ने इसको गांठ बांधा हुआ है, तो आपने पूछा कि रस्सी टूट गई, किसने तोड़ी? जिसने भी तोड़ी वो क्या करेगा? फाइन पे करेगा, खर्चा पानी देगा, कंपनसेट करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं दोबारा से इसे रिस्टोर करो, रिम्बर्स करो, जो भी हमारा खर्चा आया था वो दो। तो दैट मीन्स हमने इस सेंटेंस से, इस ट्रिक से क्या किया, वर्ड याद कर लिया कि रेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? फाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, अगला देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकॉस। अब बेलिकॉस वर्ड के हमारे पास सिनोनिम है क्वारलसम, मार्शल या पग्नेशियस। अब देखिए बेलिकॉस के लिए इसका मतलब होता है झगड़ालू, लड़ने वाला, ठीक है। अब मैंने आपके पास जो इमेज यूज की है आपके फेवरेट गेम की, जैसे पबजी, ठीक है, तो क्यों यूज की है वो मैं अभी समझाती हूँ। पहले वर्ड देखते हैं पग्नेशियस, द वर्ड इज पग्नेशियस, राइट। अब पग्नेशियस वर्ड से हम याद करेंगे पबजी, और पबजी कैसा गेम था? मार धाड़, है ना, कहीं ना कहीं गोलियां चलाना, मारना, राइट। तो पबजी मारना, तो आपको याद हो जाएगा वहां से, तो दैट इज पग्नेशियस। क्या होता है? मार धाड़, यानी कि लड़ने वाला, लड़ाकू, झगड़ालू, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे वर्ड है मार्शल, और मार्शल के लिए मैंने इमेज यूज की है एक मार्शल आर्ट की, ठीक है। तो मार्शल आर्ट्स आप देख सकते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, फाइट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप जूडो कराटो देखते हैं, मार्शल आर्ट्स, तो आप इमेज देख सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई, वर्ड था बेलिकॉस, क्वारलसम, तो मैंने कहा बेलिकॉस से एक वर्ड याद किया बाली, ठीक है। क्या वर्ड याद किया, बाली। मान लेते हैं बाली कोई लड़का है, ठीक है। तो बाली हमेशा कोसता रहता है, क्या करता रहता है, कोसता रहता है, और दूसरों से झगड़ा करता रहता है, क्वारल करता रहता है, लड़ता रहता है। तो बाली हमेशा कोसता रहता है, झगड़ालू है, पबजी खेलता है, मार्शल आर्ट सीखता है। तो पबजी से आपको वर्ड याद हो जाएगा पग्नेशियस, और मार्शल आर्ट से आपको याद हो जाएगा मार्शल, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, बेलिकॉस के सिनोनिम हो गए। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रैपोर्ट। द वर्ड इज रैपोर्ट, और इसके लिए सिनोनिम्स हैं कॉनकॉर्ड, रिलेशनशिप, कनेक्शन या इंटीमेसी। अब इन वर्ड्स को हम कैसे याद करेंगे, इमेज में ध्यान से देखिए, टू पीपल आर कॉन्वर्सिंग और दे आर शेकिंग हैंड विद ईच अदर, दैट मींस दे हैव अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को जानते हैं। आप फॉर्मली भी कभी कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपके रिलेशंस बने, ठीक है, आपकी रैपो यानी कि इमेज अच्छी हो, और आप कहते हैं कि हमारे कनेक्शंस बने, हम लोगों से इंटीमेट हों, यानी कि मिले जुले घुले मिले, ठीक है। तो दैट मींस ये सब क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। अब हम इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, जरा एक बार देखते हैं। वर्ड था हमारे पास कॉनकॉर्ड, क्या वर्ड था, कॉनकॉर्ड, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि कौन नहीं चाहता, कॉनकॉर्ड से क्या कहेंगे, कौन नहीं चाहता कि रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में हमारी रैपो अच्छी हो, यानी कि कौन रिलेशनशिप में अपनी रैपो नहीं बनाना चाहता। सभी अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहते हैं, इंटीमेसी यानी कि इंटीमेट होना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, देखिए ध्यान से। वर्ड है हमारे पास वोफुल, डोलफुल, सोरोफुल, मॉनफुल, ग्लूमी या मेलनकॉलिक, ठीक है। नाउ सी, हम सबसे पहले देख रहे हैं वोफुल, या इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुख भरा, ठीक है, बहुत ही उदासी भरा, दुख भरा। अब हम कैसे इसे याद करेंगे, इसकी भी ट्रिक आपको इमेज से समझ में आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि डोली उठ रही है, ठीक है, दुल्हन की विदाई हो रही है, डोली में उसको लेके जाया जा रहा है, ठीक है। अब हमने कैसे याद किया, डोलफुल से हमने याद किया डोली, ठीक है। अब डोली किस टाइम उठती है, ऑब्वियसली आप बोलते हैं तारों की छाव में, बहुत सारे इनविटेशन कार्ड जाते हैं तो लिखा होता है डोली तारों की छाव में, तो तारों की छाव यानी कि अर्ली मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है उस टाइम, तो मॉर्निंग से हम क्या याद करेंगे, मॉर्नफुल, क्या वर्ड याद करेंगे, मॉर्नफुल। तो हमने कहा कि मॉर्निंग में डोली उठी, मॉर्निंग में डोली उठी, और जब डोली उठती है, विदाई होती है, तो कैसा समय हो जाता है, बहुत ही दुख भरा, उदासी भरा, है ना, तो सभी लोग रोने वगैरह लग जाते हैं, तो दुख भरा, दैट इज सोरोफुल, वोफुल, ठीक है। तो हम ये वर्ड याद करेंगे, इसके साथ साथ हम ग्लूमी या मेलनकॉलिक भी याद कर देंगे, ठीक है। तो हमने ट्रिक देखी कि वोफुल का मतलब होता है दुख भरा, उदासी भरा, और कैसे हमने इसे याद किया, मॉर्नफुल यानी कि मॉर्निंग के टाइम डोली उठी और सारा समय, सारा माहौल कैसा हो गया, सोरोफुल हो गया। तो इजीली आप याद कर पाएंगे, दैट इज वोफुल, डोलफुल, मॉर्नफुल या सोरोफुल, ठीक है। इसके अलावा ग्लूमी या मेलनकॉलिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द वर्ड इज टेनेशियस। नाउ टेनेशियस मीन्स समवन हु इज स्टबर्न, ठीक है। आप स्टबर्न जिद्दी वर्ड यूज कर सकते हैं, फर्म वर्ड यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं, डिटरमाइंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो अपनी बात पर अड़ा रहे, ठीक है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, द वर्ड इज टेनेशियस। अब टेनेशियस वर्ड के लिए हमने एक वर्ड निकाल लिया, टीना, ठीक है, क्या वर्ड निकाल लिया, टीना, और मान लेते हैं कि इस बच्ची का नाम, इस लड़की का नाम क्या है, टीना है। तो हमने एक सेंटेंस बनाया कि टेनेशियस टीना कैसी लड़की है, जिद्दी लड़की है, स्टबर्न लड़की है, बहुत ही डिटरमाइंड या फर्म है, ठीक है, यानी कि किसी की बात नहीं सुनती है, केवल अपनी ही चलाती है, जो उसे करना है वो करना है। तो मैंने कहा टीना कैसी लड़की है, बहुत ही स्टबर्न यानी कि जिद्दी लड़की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, टेनेशियस यानी कि जिद्दी, जिद्दी के लिए हम याद करेंगे स्टबर्न, स्टबर्न के साथ साथ हम याद करेंगे वेरी फर्म, और डिटरमाइंड यानी कि जो अडिग रहे, जो चेंज ना हो, दैट इज जिद्दी, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम आगे,
वर्ड है हमारे पास मिटिगेट। नाउ मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, यानी कि डिक्रीज करना, या फिर कह सकते हैं रिड्यूस करना, डिमिनिश करना। कर्टेल वर्ड भी यूज करते हैं या लेसन वर्ड भी यूज करते हैं हम, ठीक है। नाउ सी, अगर हम बात करें कि हमारी ट्रिक क्या होगी, तो हम इमेज में देख सकते हैं एक गेट यानी कि डोर की पिक है, दूसरा हम देख सकते हैं कि कर्टेन्स की पिक है, ठीक है। अब हम यहीं से आप समझ गए होंगे कि ट्रिक क्या होगी। द वर्ड इज मिटिगेट, तो मैंने वर्ड बनाया मिट्टी के गेट, ठीक है। तो मिट्टी के गेट, अब उनका चलन कैसा हो गया है, उनका स्टाइल कैसा हो गया है, फैशन कैसा हो गया, कम हो गया है, यानी कि कोई यूज नहीं करता। आपको कम होना याद रखना है। दोबारा ध्यान से सुनिए, हमारी ट्रिक क्या है, मिटिगेट यानी कि मिट्टी के गेट कैसे हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गया उनका फैशन, कोई यूज नहीं करना पसंद करता, डिमिनिश हो गया है। दूसरा हमने कहा कि ये कर्टेन है, ठीक है। कर्टेन से वर्ड याद किया कर्टेल, कर्टेन से हमने वर्ड याद किया कर्टेल, और कर्टेल के साथ साथ लेसन यानी कि लेस करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है, दैट इज लेसन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि हमने कर्टेन को क्या किया, कम कर दिया, जिससे कि हम बाहर का व्यू देख सके, राइट। तो हमने यहां से अपनी ट्रिक बनाई। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज रिब्यूक। नाउ रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, ठीक है। तो हमारे पास सिनोनिम्स हैं स्कोल्ड, डॉन्ट या चाइल्ड। अब देखिए, अगर मैं डोंट वर्ड यूज कर रही हूं और मैं कह रही हूं डांटना, तो डे से डांटना, डे से डोंट, आप इजीली याद कर पाएंगे, ड से डांटना और ड से डोंट, राइट। तो डोंट का मतलब क्या हो गया, डांटना हो गया। दूसरी चीज हम अपनी ट्रिक बनाते हैं, वर्ड था हमारे पास रिब्यूक। जैसे ही आप प्रोनाउंस करेंगे रिब्यूक, आपके माइंड में इमेज आ जाएगी रिबॉक की, ठीक है। तो रिबॉक के शूज ऑब्वियसली, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे रिबॉक के शूज। तो हमने क्या इसकी ट्रिक बनाई, जरा देखते हैं कि एक बच्चा था, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी सेव करके या इधर उधर से कैसे भी करके क्या ले आया, रिबॉक के शूज ले आया। तो उसकी मम्मा ने देखा कितने महंगे आते हैं, ब्रांडेड शूज लेके आया है, तो महंगी चीज लेकर आया है, तो मम्मा ने क्या किया, उसको डांट दिया यानी कि डोंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक बनी, चाइल्ड वर्ड लिखा है और आप ट्रिक में याद करेंगे चाइल्ड, इमेज में आप देख सकते हैं चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड वर्ड आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब ट्रिक क्या बनी सिनोनिम्स की, जरा देखते हैं कि चाइल्ड यानी कि चाइल्ड क्या लेकर आया, रिबॉक के शूज लेकर आया, तो उसको डांटा गया, स्कॉल्ड किया गया, राइट। उसकी मम्मा ने उसको क्या किया, स्कॉल्ड किया, डांटा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। देखिए आज के इस क्लास में, इस सेशन में हमने 10 टू 11 सिनोनिम्स विद ट्रिक्स पढ़े हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इमेजेस के थ्रू बहुत अच्छे से उसे सीख पाएं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या इन वर्ड्स की कोई अलग ट्रिक आप जानते हो, तो जरूर शेयर करें, जिससे लर्निंग बांटने से बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।